अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को कुछ अलग और नया दिख रहा रहेगा। तो आप सबको तो पता है कि मैं कहाँ पे आई हूँ। आज 3 से 4 दिन हो गया मुझे, तो मैं आई हूँ हमारी भाभी के घर पे। तो मुझे रेसिपी शूट कर रही हूँ मैं आज यहाँ पर। जैसे कि उन लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो बच्चे लोग सब बोलने लगे कि चाची तुम कुछ बनाओ आज। तो मैं सोची क्या बनाऊं, जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि आज हम लोग घूमने भी गए थे थोड़ा बाहर, हाँ, वह भी उसका आ रहे ब्लॉग हैं। आप लोग को मिल जाएगा, हाँ अफ्रो रेसिपी ब्लॉग पे। हाँ उस पे मिलेगा आप लोगों को। तो मैं सोची क्या मैं बना लेती हूँ चिकन 65 मसालेदार। चिकन 65 को मैं मसाले में थोड़ा बनाऊंगी, वो दाल चावल के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो जैसे कि मैंने ये भाजी भी बनाई हुई है, ये देखिए पुलाव और बटाटे की थोड़ी सी बनाई, क्योंकि तो मैं चिकन बना रही थी ना, और उसी के साथ में मैंने पालक की दाल बनाई हूँ। ये पालक कहाँ से लाए? हाँ पालक कहाँ से लाई हूँ, और मैंने ये पत्ता गोभी ना, नहीं हाँ फूल गोभी, क्या हाँ बोल, फुल 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 गोभी, फुल गोभी। फूल गोभी कहाँ से लाई हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे अफरोज रेसिपी ब्लॉग में देखना है हाँ ना। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है ना, जैसे हाँ कि उससे तुम्हारे ज्यादा भाषा में आओगे आउगा आउगा लग रहा है, लाइक क्या बोलते बीरू है ना। तो चलिए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते, काफी टाइम हो गया, बज गए 11 है ना। हम लोग पीछे देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका हाँ है। देखिए कितना अंधेरा हो चुका है ना। तो मैं चौल में बनाती हूँ आज, मैं फ्लैट में बना रही हूँ है ना। हाँ चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे मैंने ली हूँ 1.5 किलो चिकन। 1.5 किलो चिकन। चिकन को मैंने खूब अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ है ना, 4 से 5 पानी से। इसके बाद में हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आधा चम्मच जाएगा। काली मिरी पाउडर और हल्का सा फूड कलर डालेंगे, फूड कलर डालना ऑप्शनल है। देखिए मसाले मैंने आपको एकदम सही तरीके से बता दी हूँ, थोड़ा मसाला सटक गई प्लेट और गिर गई, क्या पता मेरे साथ में आज किचन में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि मैं इस किचन में अपने आप को क्या नहीं समझ रही हूँ, तो अनकंफर्टेबल था अनकंफर्टेबल समझ रही कि हूँ अपना है। किचन रहेगा तो एकदम बिंदास हाँ इधर बिंदास रहती हूँ है ना, उधर। थोड़ा कौन सी चीजें कहाँ है कहाँ पर नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ना। ये भी भाभी जो है हमारे घर में ही होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं ना। तो हाँ चलिए अभी इसके अंदर डालेंगे 2 लींबू का रस। लींबू का रस को कैसे तैयार करना है, पहले लींबू लाना है मार्केट से, लींबू को अच्छे से किचन के ऊपर रगड़ लेना, उसे नरम कर लेना, उसे कटिंग कर लेना लेना, उसकी बीज निकाल के उसे निचोड़ निचोड़ के हमें चिकन में डाल देना है ना। हाँ तो चलिए अभी इसमें डालेंगे अंडे। अंडे कैसे फोड़ना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा, कोई नहीं 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 बताना पड़ेगा है ना। तो चलिए अभी ये सब डालने के बाद में क्या करेंगे, मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था हाथ धोने के लिए। ये जो भाभी का नीचे जो भाभी ने एक झावर लगाए थे पहले, मैं भी ऐसे ही अपने किचन में झावर लगाया करती थी है ना, तो उसी से मैं हाथ पोछ रही थी। चलिए अभी इसमें डाल लेंगे दही। तो मैंने दही लाई हूँ 1/2 किलो। 1/2 किलो दही में से मैं सिर्फ डालूंगी 3 चम्मच दही। कौन सा चम्मच से, जो ये वाला जो चम्मच है ना वो चम्मच हाँ से आप दही डालिए। अभी मुझे थोड़ा सा अदरक लहसुन कम लगा तो मैंने थोड़ा अदरक लहसुन और आधा चम्मच डाल दी। चलिए जितना भी सारा सामान है सारा निचोड़ निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। अभी इसमें आवाज़ आ रही है ना, अभी आ रही है। आ रही है। चलो अभी इसमें जाएगा आधा चम्मच तेल। अभी ये सब डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें हम कॉर्नफ्लैन और मैदे का आटा डालेंगे हाँ है ना तुरंत ही नहीं डालेंगे आसिफ तुरंत नहीं डालने हाँ, के, मिक्स क्योंकि करने। हाँ मसाला अच्छी तरह से चिकन में लग जाना चाहिए। तो चलिए कैसी लग रही हूँ मैं, ये किचन कैसा लग रहा है, किचन के साथ में मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा सा मुझे फूड कलर कम लग रहा था तो मैंने हल्का सा फूड कलर इसके अंदर डाली, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए बरोबर। 3 चम्मच डाल लूँगी अभी मैदे का आटा और 3 चम्मच ही मैं कॉर्नफ्लैन डालूंगी है ना।
हाँ, तो जैसे कि मैंने जो आज चोटी बांधी हुई है, मेरी चोटी बांधी है मेरी भाभी की लड़की, उनका नाम है अंजुम। और जैसे कि मेरी दो लोग ही है जो मेरा बाल, कभी कभी मैं उन लोगों से मिलती हूँ तो उन लोगों से ही बाल बनाती हूँ। एक मेरी बहन है, जो मेरी बहन हमेशा मुझे जब भी मेरे घर पर आती है तो मैं उसी से सागर चोटी बांधती हूँ, मेरे को पसंद आता है। और जब भी अंजुम से मिलती हूँ तो अंजुम ये वाली चोटी मुझे डालती है ना, साइड सागर चोटी। हाँ, अभी तक बंदी हुई खुली नहीं है। और मैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ इस चोटी में। है ना आदिल? तो चलिए अभी हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम एक घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखेंगे। अगर आपके पास में टाइम है तो आप एक घंटे के लिए रखिए, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं सब सोचती हूँ किधर पे मैंने क्या चीज़ लेना है, किधर से क्या उठाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊँगी, चम्मच। आपको चम्मच के बारे में मैंने वॉइस में ही बोली, आप लोग ज़रूर देख लेना। मैरिनेट हो चुका है, आप लोगों को चीज़ बता दूंगा, चम्मच होता छोटे छोटे से चम्मच है। ये देखिए कितने छोटे छोटे से चम्मच है, ये भाभी भी ऐसे छोटे छोटे चम्मच रखते हैं, और मेरी जो सास थे ना उनके घर में भी ऐसे छोटे छोटे से चम्मच रहने के, छोटे टोप, छोटे चम्मच, छोटी सी कढ़ाई, ये देखो ये छोटी सी कढ़ाई कैसी एकदम है ना। और मेरी सास के घर में इससे भी छोटी कढ़ाई रहने की, इतनी सी छोटी सी कढ़ाई रहने की, पाव किलो भिंडी लाते थे और उसको दो टाइम खाते थे, गिन के बनाते थे और गिन के खाते थे, गिन के बनाते थे और सुन के खाते थे। छोटे छोटे बर्तन भाभी के घर में ना पुराने पुराने बर्तन बहुत है, पुराने पुराने सामान बहुत है, मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में सब नए नए है। ये तो वैसे पुराने पुराने टोप, ये तो कितना छोटा सा टोप है देखो, है ना। हमारे भाभी जो हैदराबाद के, मैं कर्नाटक का की हूँ, मैं इधर की बेलगाम, बेलगाम बेलगाम तो चलिए अभी हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए, उसके अंदर मैं डालूंगी आधा कढ़ाई तेल, सिर्फ हमें फ्राई करने उतना चाहिए, है ना। हाँ, तो चलिए जब तेल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम चिकन के पीस इसमें छोड़ेंगे और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे ना। जैसे चिकन कैसे फ्राई करते हैं आप लोगों को नहीं पता, ओफो वो भी आपा को बताना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस, तेल जब गर्म हो जाने के बाद में आप गैस को मीडियम पे रखना है ना। तो चलिए अभी हम चिकन फ्राई करते हैं, उसके बाद में आपको बताती हूँ। तो ये देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आया, आधा चिकन हमारा पक चुका है और आधा चिकन हम मसाले में पकाएंगे। तो सारे चिकन को हम निकाल लेंगे देखने में, और ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं, ऐसा भी ये स्टार्टर के तौर पे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ना इसे, चिकन फ्राई। चिकन फ्राई देखिए मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदे का आटा मिलाई करके इसके अंदर मसाले अलग नहीं हुए कुछ भी। तो चलिए अभी ये सब चम्मचों से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, अभी कढ़ाई आप लोग बोलेंगे इतनी छोटी और चम्मच इतना बड़ा, आई क्या बात है। तो चलिए अभी हम रेडी कर लेते हैं, चिकन फ्राई करके हो गया, अभी हम रेडी करते हैं मसाला। तो ये जो पहले से टोप में जो मसाला बचा हुआ है ना, ये चिकन को जो मैंने मैरिनेट की थी ना उसी का मसाला है ना। हाँ। उसी के अंदर मैं डाल लूँगी जो मेरा पाव किलो दही में से थोड़ा सा दही मैंने पहले यूज़ की थी और बाकी का पूरा था इसी में डाल दूँगी, है ना। अभी इसमें डालेंगे 3 चम्मच टमाटो केचप, बराबर बोलिए आसिफ, एकदम बराबर। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे 2 चम्मच। अभी देखिए मुझे जजमेंट है इसीलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, अगर आपको जजमेंट नहीं है तो आप चम्मच से डालिएगा। बराबर अभी इसके अंदर जाएगा रेड चिल्ली सॉस 3 चम्मच, बोलो तुम भी बोलो, रेड चिल्ली सॉस 3 चम्मच हम डालेंगे। हाँ अभी इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस डालेंगे 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे ना तो काला हो जाएगा। अभी इसके अंदर जाएगा 1 ढक्कन विनेगर, बराबर बराबर एकदम बराबर। मैं थोड़ा अटक जाती हूँ ना, फिर मैं थोड़ा
अच्छा था नहीं बोलते ना, आप ऐसा नहीं, सब अच्छा बोलते बोलते क्या तुम, ऐसा बोलते ऐसा बोलते है ना, ना। अच्छा बोलते तुम, मैं बराबर बोलती हूँ एकदम बराबर बोलते। चलिए अभी ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आप टेंशन मत लेना, ये भुने जाएगा मसाला, भुने जाने में ही जो इसके अंदर जो दही के टुकड़े टुकड़े वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको दही को फेंट के डालना है, ये करके डालना है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। अभी एक नींबू है मैं इसे साइड में रख देती हूँ, चश्मा लगाने के बाद मैं टीचर दिख रही हूँ है ना। अच्छी दिख रहा है, एकदम भारी दिख रही हूँ। आटपुन किधर किधर गए थे? बीच पे गए थे, बीच पे बोल रहा आवाज। हम लोग बीच पे गए थे ना, हाँ। और किधर गए थे? और खेत में गए थे, जिधर हम लोग गए थे खेत में, जहाँ पे हरी हरी सब्जियाँ उगती है, एकदम ताजी ताजी सब्जी। वो ताजी ताजी सब्जी लेके आके ही मैंने फूल गोभी की भाजी बनाई और पालक दाल बनाई है ना। उसका ब्लॉग आप लोग का फ्रो रेसिपी ब्लॉग पे देखने मिलेगा। एकदम फ्रेश। तो चलिए अभी हम चिकन 65 का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ, उसके ऊपर रखी हूँ एक पैन है ना। पैन में मैं डालूंगी ऑयल, तो 3 चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ। कौन सा ऑयल डाल रही हूँ पता है? जिसमें मैंने चिकन को फ्राई की थी, उसे हमें वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो चलिए वही ऑयल जब गर्म हो जाएगा, एक तरफ मेरा चिकन भी फ्राई हो रहा है, तो मैं बोली चलो इधर पे मैं मसाला भी रेडी कर लेती हूँ। तो इधर पे मैंने ली हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक कुचल ली हूँ मैंने, थोड़ा से करी पत्ते और हरी मिर्ची लेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च को बीच में से आप फाड़ के लीजिए है ना। तो तीखा जितना पसंद है उतना आप डालिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मुझे कुछ चम्मच नहीं मिल रहा था, तो लकड़ी का चम्मच मैंने ले ली और इससे मैंने इसे भून लिया अच्छी तरह से। अभी करी पत्ता और हरी मिर्च भी डाल के इसे 1 मिनट तक का भून लूँगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं मैंने इसमें मसाला डालूँगी है ना। और जैसे कि हम लोग कहाँ घूमने गए थे, कहाँ गए थे ये किधर पे आया आपको, नाला सुपारा का आपको खेती बारी भी आपको मैं दिखाऊंगी है ना। खेती आप लोग और बीच बीच भी हाँ दिखाऊंगी, आपको रेसिपी ब्लॉग पे देखने में। और दूसरी बात, हम लोगों के मेरे भाई के और मेरे डांस वीडियो देखने हैं तो आप लोग रील्स पे देख सकते हैं ना, मेरे यूट्यूब क्या इंस्टाग्राम आईडी क्या है मेरी, Afro Shake 95 और Number 1 जोड़ी। हाँ, Number 1 जोड़ी पे आप लोग जाके देखिए, हमारे डांस वीडियो इंजॉय कीजिए और Afro Shake 95 पे भी आपको देखने मिलेगा, उसके ऊपर भी आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो चलिए अभी मैंने सारा मसाला डाल के क्या कि इसे 2 से 3 मिनट तक का भून ली। भूनने के बाद में मैंने जब इसमें तेल छूटने लगा तो सारा चिकन उठाकर मैंने इसमें डाल दी। अभी चिकन डालने के बाद में हमें 3 से 4 मिनट तक का इसे अच्छी तरह से पका लेना है। पहले तो हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, मिक्स वेल कर लेना है हमें। तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स वेल कर लेंगे। इंग्लिश में बोलने का बता ना मेरे को, मिक्स वेल। और इंग्लिश सिखाना मेरे को, सिखाता ना, सिखाता बोलते आसिफ। हाँ, तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से पका ली मैंने। हाँ, अभी इसके अंदर मैंने डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और इसे करेंगे गर्मा गर्म सा सर्व। अभी आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं, आप इसे दाल चावल के साथ में भी खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ में, नान के साथ में, पराठे के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, एक अच्छे ब्लॉग के साथ में। सबसे पहले हमारे रील्स के वीडियो देखना भूलना मत। आसिफ मेरी दोनों आईडी डिप्रेशन में डाल देना, डाल दूंगा। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, कैसी हमारी रेसिपी लगी कमेंट में हमको जरूर बताना। हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैं रेसिपी को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि यहाँ पे सर्विस मतलब निकालना विकालने का डिश आउट वगैरह मैं कुछ भी नहीं करूंगी है ना, आपको ऐसे ही मैं रेडी करके दिखा दे रही हूँ। माशाल्लाह रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी सब लोग खाएंगे, उसके बाद मैं बताएगी कि इसका स्वाद कैसा है। तो अभी डिश आउट तो नहीं, ऐसे ही आप देख लीजिए है ना, डिश आउट क्या बोलते है ना, डिश आउट।
सर्विंग देखिए, तो माशाल्लाह और थोड़ा लाइक वगैरह नहीं है यहाँ पर, जो घर में जो छोटी सी लाइक लगी है उसी में मैं वीडियो कंटिन्यू की हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कोई रेसिपी मिल जाए मेरी। और ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग खाना कमेंट में बताना। कुछ तो अलग, इजी और सिंपल, और सिंपल। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, एक अच्छे ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।